इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए आपको ले चलते हैं अभी की एक बड़ी खबर पर। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के ग्राम धन्नड़ में हजारों की संख्या में मजदूर एवं रहवासी करते हैं आवागमन। वहीं रोड की हालत बेहद खराब। इस रोड पर ना तो कोई नेता, न जनप्रतिनिधि, ना ही नगर पालिका परिषद पीथमपुर। इस रोड पर किसी का भी ध्यान नहीं है और इस रोड से कुछ ही दूरी पर 3 से 4 स्कूल भी हैं। वहीं रहवासियों एवं मजदूरों के साथ साथ 3 से 4 स्कूल के बच्चे भी आवागमन करते हैं। अभी कुछ समय पहले खबर प्रकाशित करते समय वार्ड क्रमांक 3 पार्षद कालू सिंह मारू से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि 2 दिन में इस रोड पर चूड़ी या मुरम डाल दी जाएगी, पर 1 हफ्ता हो गया अभी तक वहां कोई कार्य नहीं किया गया। वहीं आज फिर यह पूरा मामला नगर पालिका CMO डॉक्टर मधु सक्सेना को बताया और इस समस्या से उनको अवगत कराया गया, तो उन्होंने बताया कि इस सड़क निर्माण का टेंडर हो चुका है, जल्द ही इसका काम भी होगा। वहीं बारिश के चलते हम अभी अस्थायी समाधान करने को लेकर विचार कर रहे हैं। संवाददाता अमजद पटेल की रिपोर्ट। ये बताइए क्या समस्या आपकी? सर, ये धन्नड़ वार्ड क्रमांक 3 का रास्ता है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है। पिनाकल फैक्ट्री से लगा के कपिला लैंप तक पूरा रोड पूरा जर्जर है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते जाते हैं। 3 स्कूल है और फैक्ट्रियों में वर्करों ने आते जाते हैं, मजदूरों को बहुत दिक्कतें आती है सर। और 3 स्कूल भी है, बच्चों परेशान होते हैं, वर्करों परेशान रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं सर ये रोड की वजह से। 3 से 4 साल हो गए इस पर ओनली चूरी डाल रहे हैं और वो पानी गिरता है वो एक साइड हो जाती है, इसका स्थायी समाधान अभी तक 3 वर्ष में नहीं हुआ है। ठीक है, आपका नाम? पप्पू पटेल। तरह की अपने आसपास की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टीवी न्यूज को। अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।